नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज और मैं हूं आपके साथ आयुष भारद्वाज। बड़ी खबर की शुरुआत करने से पहले भारत के लिए आई एक बड़ी खुशखबरी के बारे में आपको बता देते हैं जी। टोक्यो ओलंपिक में भारत ने वेट लिफ्टिंग में अपना पहला सिल्वर मेडल हासिल किया है। जी हाँ, ये बहुत खुशी की बात है। हमारा पहला सिल्वर मेडल हमने अपने नाम कर लिया है। चलिए बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं, जहां बड़ी खबर है प्रयागराज से। सात कत्ल करने वाली शबनम की फांसी के मामले में यूपी की गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने दखल दे दिया है। यूपी गवर्नर आनंदी पटेल ने शबनम की वकील सहर नकवी द्वारा दाखिल अर्जी पर संज्ञान लिया है। मामले पर गंभीरता दिखाते हुए नियम के मुताबिक विचार करने के बाद उचित फैसला लेने के लिए यूपी सरकार को निर्देशित किया है। आपको बता दें कि प्रेम प्रसंग के चलते अपने ही परिवार के सात लोगों की शबनम ने हत्या कर दी थी। इस मामले में आरोपी शबनम और उनके प्रेमी सलीम को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई थी, जिसके बाद वकील सहर नकवी ने गवर्नर को अर्जी देकर मानवता के आधार पर शबनम की सजा को उम्र कैद में बदलने की मांग की थी। वकील नकवी ने गवर्नर को पत्र में लिखा कि शबनम की फांसी से समूची दुनिया में भारत की महिलाओं की छवि खराब होगी। वकील की अर्जी में शबनम के बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखने की भी बात कही गई थी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता पीयूष पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पीयूष, क्या ताजा जानकारी है इस मामले पर? जी आयुष, आपको बता दें, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि शबनम, जिसने कि अपने ही परिवार के सात लोगों का निर्मम हत्या की थी, अपने प्रेमी के साथ मिलकर, आशिक के साथ, जिसको कि फांसी की सजा हुई थी एवं उसके आशिक को भी फांसी की सजा हुई थी, और इस समय बरेली जेल में वो बंद है, और साथ ही साथ उसको जो है ये भी कहा गया था कि इनकी फांसी को रोकने के लिए भी एक अर्जी दी गई, जो कि हमारे माननीय उच्च न्यायालय की अधिवक्ता है नकवी जी, उन्होंने दिया था। उन्होंने मानवता के आधार पर ये कहा कि जिस प्रकार से आज तक अपने भारत के इतिहास में कभी भी किसी महिला को फांसी नहीं दी गई है, और अपने भारतवर्ष में महिला को एक देवी का रूप देखा जाता है, और इस हिसाब से एक गलत समाज में एक मैसेज जाएगा, जिसके लिए उन्होंने अनुरोध किया कि मानवता के आधार पर इनकी फांसी रद्द की जाए एवं उसको उम्र कैद में परिवर्तन किया जाए। जी आयुष, पीयूष आपने बताया कि भारत के इतिहास में ऐसी कोई भी फांसी अब तक नहीं हुई है, तो क्या शबनम की भी फांसी टाली जा सकती है गवर्नर के इस लेटर के बाद? जी देखिए, जिस हिसाब से दलीलें दी जा रही हैं नकवी जी की तरफ से, पहला दलील तो उन्होंने दी है कि भारत के इतिहास में ऐसा कभी हुआ नहीं है। इस हिसाब से विदेशों में अपने भारत का सम्मान घट सकता है कि इनके यहाँ महिलाओं को फांसी दी गई है। और दूसरा तथ्य उन्होंने ये कहा है कि जैसे कि उनका बच्चा है जो कि जेल में ही पैदा हुआ है, तो उन्होंने कहा है कि इस प्रकार से उसके ऊपर काफी मानसिक तनाव पड़ेगा एवं समाज में उसकी क्या इज्जत रहेगी और वो समाज में किस तरह आगे बढ़ पाएगा, क्योंकि अगर उसको फांसी दे देंगे तो वो उसके ऊपर एक मनोवैज्ञानिक दबाव पड़ेगा। इन दोनों आधारों को लेकर उन्होंने कहा है कि अनुरोध किया है कि क्यों ना इनकी फांसी टाल दी जाए। जी पीयूष, इस बारे में लोगों की क्या राय है? आपने जब लोगों से बातचीत की तो लोगों ने इस बारे में क्या कहा, उनका क्या कहना है? जी देखिए, लोगों से बात करने पे ये लगा है, बात करने पे पता लगा है कि देखिए, जो भी है ये जो है तथ्य है बहुत ही घृणित कार्य है, और इसमें जो है फांसी होनी ही चाहिए। इसमें किसी को भी बख्शा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये अपराध एक सबक होना चाहिए सभी के लिए कि अगर इस तरह का अपराध भविष्य में कोई भी करेगा, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, तो उसको फांसी की ही सजा दी जाएगी। तो लोगों का मानना ये है कि इस हिसाब से एक मैसेज जाना चाहिए समाज में और उनकी फांसी को बरकरार रखना चाहिए। परंतु देखना ये होगा कि तरह से आनंदीबेन पटेल हमारी माननीय गवर्नर जी ने इसको आगे पारित कर दिया है, पारित करके सरकार के पास भेजा है कि आप इस पे विचार करिए, क्या अगर संभव है इनकी फांसी टालना तो टाल दिया जाए। अब देखना ये होगा कि सरकार इस पे क्या निर्णय लेती है और निर्णय लेकर क्या वाकई में इनकी फांसी टाल दी जाती है उम्र कैद में कि नहीं। जी आयुष, पीयूष क्या सरकार ने इन बिंदुओं पर अवलोकन शुरू कर दिया है? जैसा जानकारी प्राप्त है कि विशेष सचिव को गवर्नर हाउस से पत्र मिल चुका है, तो क्या अवलोकन शुरू कर दिया सरकार ने? जी, इस पर अवलोकन शुरू हो चुका है। ऑलरेडी सरकार इस पर विवेचना कर रही है, सारे पहलुओं को, बिंदुओं को जांच में ले रही है, एवं कानूनी दायरे में क्या क्या चीज़ें आएंगी, क्या नहीं, किस तरह इनकी फांसी को उम्र कैद में बदला जा सकता है, इसके लिए भी कायावात शुरू हो चुकी है। अब देखना ये होगा कि आखिरी निर्णय सरकार क्या लेती है, क्या इसको परिवर्तन करती है उसको उम्र कैद में कि नहीं करती है, ये देखने वाली बात होगी। जी आयुष, पीयूष आप हमारे साथ बने रहें। गवर्नर से प्राप्त पत्र पर ध्यान देते हुए सरकार ने अवलोकन शुरू कर दिया है, हमारे संवाददाता ने हमें बताया। नकवी ने जो
खत लिखा है गवर्नर को, उसमें ये बोला गया कि भारत के इतिहास में आजादी के बाद किसी को भी ऐसी फांसी की सजा नहीं दी गई है। तो अब देखना ये होगा कि क्या इस मामले पर सरकार फांसी का फैसला लेगी या शबनम की फांसी टाली जाएगी। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं जो प्रयागराज से है, जहां गुरु पूर्णिमा के मौके पर धूम मची हुई है। संगम नगरी प्रयागराज में गुरु शिष्य परंपरा का सबसे बड़ा उत्सव यानी गुरु पूर्णिमा का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर श्रीमठ बागंबरी गद्दी में श्री गुरु पूर्णिमा महोत्सव का आयोजन भी किया गया है। महोत्सव की शुरुआत अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी ने ध्वजा पूजन से किया है। इस मौके पर मठ से रुद्राभिषेक और भव्य आरती भी की गई है। बता दें कि गुरु पूर्णिमा के मौके पर गंगा घाटों पर भक्तों का जन सैलाब भी देखने को मिल रहा है। इसी खबर पर जानकारी के लिए हमारे संवाददाता पीयूष हमारे साथ बने हुए हैं। आपको बता दें कि जिस तरह आज गुरु पूर्णिमा का पर्व है और उस पर काफी दूर दूर से लोग अपने गुरुओं को नमन करने के लिए, उनका आशीर्वाद लेने के लिए आ रहे हैं, उसी हिसाब से हमने देखा है कि आज संगम तट पर जो कि हमारे बड़े हनुमान जी है, बागंबरी गद्दी है, उसके महंत जो हैं गिरी जी, उनके पास भी काफी भारी मात्रा में भक्त उपस्थित हुए हैं और उन्होंने उनका पूजन किया है। और ये हमारे प्राचीन काल से काफी परंपरा चली आ रही है कि गुरु पूर्णिमा के दिन भक्त आते हैं, अपने गुरु का धन्यवाद करते हैं एवं उनका पूजन करते हैं, उनको भगवान के रूप में मानते हैं। और इसी क्रम में आज के दिन काफी हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। काफी दूर दूर से भक्त आ रहे हैं जो कि गंगा का आरती में भी शामिल होंगे, गंगा स्नान में भी कर रहे हैं और एवं जाके अपने गुरुओं को नमन भी कर रहे हैं। ये एक बहुत ही हर्षोल्लास का पर्व है और काफी धूमधाम से मनाया जा रहा है, काफी भीड़ देखने को मिल रही है। पीयूष जी, क्या क्या कार्यक्रम होने वाले हैं इस महोत्सव में, आज के दिन के क्या कार्यक्रम रहेंगे, मैं जानना चाहूंगा। जी देखिए, इसमें जो है पहला कार्यक्रम तो गुरु की वंदना होगी वहाँ पे। वंदना के बाद जो है गुरु की आरती का आयोजन है। आरती आयोजन के बाद जो है गंगा की आरती होगी, गंगा के तट पे जाके आरती होगी एवं गुरु के जो खड़ाऊ है उनको रख के उनको भी पूजन किया जाएगा। ये भी एक परंपरा है यहाँ पे हमारे प्रयागराज में। तो ये सारी परंपराओं को लेते हुए, इन सारे कार्यक्रमों को लेते हुए आज पूरे दिन गुरु पूर्णिमा की धूम रहने वाली है प्रयागराज में, ये साफ देखने को मिल रहा है। जी आयुष। पीयूष, भक्तों की भीड़ को ध्यान में रख के कोरोना को लेकर क्या इंतजाम किए गए हैं, कोरोना क्योंकि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है तो उसकी गाइडलाइन का क्या पालन किया जा रहा है? जी जी देखिए आयुष, बता दें कि गुरु पूर्णिमा के पर्व पर सारी जितने भी उनके शिष्य हैं वो इतने उत्साहित हैं कि कहीं ना कहीं कोरोना का जो भी प्रोटोकॉल है वो पालन नहीं हो पा रहा है। हालांकि पूरी कोशिश की जा रही है प्रशासन की तरफ से एवं बागंबरी गद्दी के जो भी पदाधिकारी हैं उनकी तरफ से कि कोरोना प्रोटोकॉल का पूरा पालन कराया जाए। वो बार बार बोल भी रहे हैं अपने भक्तों से कि आप मास्क पहन के रखें, आप सैनिटाइजर का यूज़ करें, आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, पर ऐसा जो है मुमकिन नहीं हो पा रहा है क्योंकि काफ़ी दूर से आए हुए और सभी अपने गुरु को तुरंत देखना चाहते हैं, उनका आशीर्वाद लेना चाहते हैं। एक होड़ मची हुई है, इसलिए काफी हद तक कह सकते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना का प्रोटोकॉल का पालन नहीं हो पा रहा है। जी आयुष, क्यों, चूंकि भक्तों की भारी भीड़ है तो सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम है, क्या प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं? जी जी, प्रशासन तो मुस्तैद है, परंतु आप जिस तरह जान सकते हैं जहां आस्था का सवाल आ जाता है वहां प्रशासन भी मौन हो जाता है और आज वही देखने को मिल रहा है। जिस तरह आस्था का विषय है और लोग अपने गुरु का पूजन के लिए आए हैं, उनका आशीर्वाद लेने के लिए दूर दूर से आए हैं, तो उसमें प्रशासन भी कुछ बोल नहीं पा रहा है क्योंकि उनको लगता है कि ऐसा करने से हो सकता है कि भक्त नाराज हो जाएं या फिर उनके ऊपर कोई आक्षेप लग जाए, इसलिए वो जो है इससे बच रहे हैं और वो कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कराने की कोशिश तो कर रहे हैं पर पूरी तरह कामयाब नहीं दिख रही है। तो जी आयुष, गुरु पूर्णिमा के इस पर्व पर भक्तों के आगे पुलिस भी बेबस नजर आ रही है, आप कह रहे हैं? जी जी जी, देखिए अब ये तो एक पर्व है जिसमें कि दूर दूर से लोग आए हैं अपने गुरु की वंदना करने के लिए, उसमें एक होड़ मची हुई है कि पहले मैं कि पहले मैं, हर आदमी चाहता है कि पहले वही जाके वंदना करे, वही उनका आशीर्वाद ले ले। अब इस विषय में किसको रोका जाए किसको नहीं रोका जाए, इस हिसाब से प्रशासन के लिए एक चुनौती तो है ही और साथ ही साथ गुरु के लिए भी एक ये है कि किसके लिए कैसे पहले आशीर्वाद दें कैसे करें, ये एक थोड़ा कश्मकश है और जिसके लिए कोरोना का प्रोटोकॉल पूरी तरह से पालन नहीं हो पा रहा है। हालांकि कोशिश की जा रही है, प्रशासन भी कर रही है, परंतु पूरी तरह से इस पे कामयाबी तो नहीं दिख रही है। जी आयुष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए पीयूष।
है और सनातन धर्म में गुरु पूर्णिमा का क्या महत्व है, और वैसे भी गुरु का स्थान जो है ईश्वर से भी ऊपर बताया गया, तो आप किस तरह से पूजा अर्चना करके तो यहाँ शिष्यों ने जो है गुरु पूर्णिमा मनाई है और गुरु का आशीर्वाद लिया है? सनातन परंपरा में किसी भी व्यक्ति को गुरु करना जो आवश्यक होता है, बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलता है, बिना गुरु के आपको मोक्ष नहीं मिलता है। तो आज गुरु पूर्णिमा है, जितने आश्रम हैं सभी के यहाँ मनाया जाता है। आज यहाँ है मठ बाघमरी गद्दी में, यहाँ पे गुरु परंपरा अनाज काल से है। और जो गुरु परंपरा को हम व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं, क्योंकि व्यास भगवान व्यास से ही परंपरा शुरू हुई है। तो लोग कहते भी हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मय से गुरु बनवे, गुरु गोविंद दो खड़े कागो लागो पाए बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो अगर गुरु भगवान खड़ा हो तो सर्वप्रथम गुरु को चरण बंदन करना चाहिए। गुरु पूर्णिमा महत्व पूरे विश्व में मनाया जाता है, इसको व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। नीचे ले जा, नीचे स्थिति पर ही भगवान नारद जी ने भगवान व्यास को तत्श्लोकी भागवत का उपदेश किया था, और भगवान शंकराचार्य व्यास जी से उनका शास्त्रार्थ हुआ था। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए एबी स्टार न्यूज़ के साथ। नमस्कार।